भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर जिला प्रशासन द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूमि सुधार विभाग और राजस्व मंत्री आलोक कुमार बेहता, कृषि विभाग के मंत्री कुमार सर्वजीत, विशिष्ट अतिथि में बांका सांसद गिरधारी यादव थे। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित तमाम पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य लोगों को पुष्प वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और स्थानीय पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन संबोधित करते हुए 2 माह श्रावणी मेला चलने वाले को लेकर कांवरियों की सुख सुविधा के बारे में अवगत कराया। साथ ही विशिष्ट अतिथि एवं विधायक और गणमान्य लोगों ने श्रावणी मेला को विशेष सुविधा सहित नगर परिषद क्षेत्र में हो रहे समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए निदान करने की मांग मंत्री से की। साथ ही अतिथि कृषि मंत्री सर्वजीत संबोधित करते हुए 2 माह के श्रावणी मेले के बारे में कहा कि यह मेला जो राज्यों का आपसी सद्भाव का मेला है। साथ ही राजस्व मंत्री आलोक बेहता ने बताया कि बिहार सरकार के हर विभाग के द्वारा श्रावणी मेला को बेहतर बनाने के लिए जो भी खर्च होगा वो किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, सभी बिहार सरकार के द्वारा किया गया। इस दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, बीरपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, नाथनगर विधायक अली सिद्दीकी, पीरपैते विधायक ललन कुमार, तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, विधान परिषद डॉक्टर एनके यादव, डॉक्टर संजीव कुमार, विजय कुमार सिंह, संजय सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी सहित तमाम जिला और प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्र हम लोग तो बराबर मांग करते हैं इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए, लेकिन देती केंद्र सरकार देती नहीं। केंद्र सरकार बिहार के साथ पूरी नाइंसाफी कर रही है। क्या जवाब मिला है सर? हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उन्होंने कहा अभी भाषण में लखीसराय में कि 14 में हमको 31 MP मिला, 19 में 39 MP मिला और इस बार 40 मिलेगा। हम माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जानना चाहती है बिहार की जनता पार्टी हैसियत से हटके एक बिहारी की हैसियत से कि बिहार में उन्होंने क्या दिया भारत के द्वारा। पटना का एयरपोर्ट वही रह गया जो कि भारत सरकार को करना चाहिए था। एक ट्रेन बिहार से नहीं चलाया, नई ट्रेन चली और जो ट्रेनें चल रही थी उसको बंद करने का काम किया गया। तो बिहार के साथ तो पूरी नाइंसाफी हो सर। आप गठबंधन में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस समय भी मैंने इस मुद्दा को उठाया था, जानते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोग, मैंने उस समय भी ये बात उठाई थी। क्या जवाब क्या कुछ देना ही नहीं चाहती वो तो। बिहार को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर खाली बिहार को सब गुजरात में दे रहे हैं। जितनी चीज़ें हैं उसको इतनी ट्रेन उधर चलती है जिसमें पैसे ट्रेन बंद करना पड़ता है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई उसको बंद करना पड़ा क्योंकि पैसेंजर नहीं मिला उसको। लेकिन बिहार के पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह लद के ट्रेनों में आते हैं, उसको नहीं गाड़ी दिया जाता क्योंकि हमारे बहुत लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। जो मिसाइल नीति लागू करने और शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठी चार्ज के विरोध में आज भागलपुर के मनाली चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में 15 बार से भी अधिक शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है और अब बाहरी को मौका देना बिल्कुल गलत है। यह चाचा भतीजा मिलकर गुंडा राज चला रहे और अपने गुर्गे से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करवाते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के सम्मान में ABBP हमेशा खड़ी है। आज जिस तरह से देखेंगे तो बिहार सरकार पूर्ण तरह से तानाशाह हो चुकी है। यहाँ जब लाठी खाने का नौबत आता है तो बिहार के लोग खाएंगे, जब जो है गरीबी का मार झेलना होता है तो बिहार के लोग झेलेंगे, जब मलाई देने का मामला होता है तो ये बाहर के लोगों को बांट देंगे, लेकिन यहाँ के शिक्षक को लाठी जब वो अपने हक के लिए जाते हैं तो उनको जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ये बिहार सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह हो चुकी है। मैं आज बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है उन पर लाठी चार्ज करने वाले पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित किया जाए। आज हम लोग धरने पे बैठे हुए क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी हक की मांग को लेकर। शिक्षक एक समाज का आईना होता है,
या बिहार लोकतंत्र की धरती है और लोकतांत्रिक रूप से अपनी हक की मांग को लेकर वह लोग लगातार आंदोलन रहते हैं, मगर उनके ऊपर जो बिहार के मूर्ख मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके इशारे पर चाचा भतीजे की शासन में यहाँ की प्रशासन गुंडा हो चुकी है और उन गुंडों के द्वारा उनके इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। तथा हम सभी को ज्ञात है कि बार बार नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 15 बार से अधिक शिक्षकों के नियमावली में परिवर्तन लाया गया। तो आखिर ऐसी क्या नौबत होती है कि जब आपको चुनाव नज़दीक आता है, अभी आपको 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दिख रहा है और बिहार के बाहरी लोगों को लाकर शिक्षक अभ्यर्थी में शामिल कराया जा रहा है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अविलंब डोमिसाइल नीति को वापस लेने की मांग करती है तथा बिहार के शिक्षकों को रोजगार दे। एक कहावत है कि अगर आपके घर में खाना नहीं है तो हम पड़ोसी को बुलाकर भंडारा का न्योता नहीं दे सकते। तो नीतीश कुमार 24 की चाहत को लेकर यह कार्य कर रहे हैं जिसका विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप में विरोध करती है। बिहार में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में बवाल मचा हुआ है। 1 जुलाई को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, उन पर लाठी चार्ज भी किया गया। वहीं जदयू MLC ने भी डोमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध किया है, साथ ही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बड़ा बयान दे दिया है। जदयू MLC संजीव सिंह ने कहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ में निराशा हाथ लगी है और निश्चित रूप से यह जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में बार बार संशोधन हो रहा है और उससे पूर्व नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है, ये गलत हुआ है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस बार मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों के हक में 2006 से 2020 तक के जितने भी नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, इसके लिए सीधी भर्ती का प्रावधान किया जाए। BPSC के द्वारा परीक्षा इतने शिक्षकों की संभव नहीं है। बाहरी शिक्षकों को मौका देना सामान्य कोटि के शिक्षकों की हकमारी होगी। शिक्षकों पर लाठीचार्ज होना गलत है, अपने हक के लिए धरना दे सकते हैं। देखिए, ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ तो निराशा लगी है और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है, संशोधन के क्रम में जो ये खास करके डोमिसाइल वाला हुआ है और उसके पूर्व जो नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है, उसके लिए ये गलत हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग बराबर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं, जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में और वर्ष 2006 से 2020 तक के जितने भी नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए सीधी नियुक्ति के प्रावधान किया जाए, उसके बाद फिर जो है उसके बाद ऐसा किया जाए। क्योंकि BPSC के द्वारा परीक्षा इतने इतने शिक्षकों का संभव ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। समय से बाहरी भी इसमें शामिल होगी, परीक्षा होगा कि बिहार में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जनरल कोटि के अभ्यर्थी के लिए तो एक ही वज्रपात के समान है, चूंकि वो सीधे सामान्य कोटि में चले आएंगे। बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी होगी और प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा, प्रतिस्पर्धा तो इसलिए निराशा भी है, क्योंकि जो सरकार सोच करके चल रही थी अभ्यर्थी भी वही सोच रहे थे, लेकिन बीच में ये जो डोमिसाइल वाला अचानक सा हुआ तो सभी के हाथ में निराशा लगी है।